ड्रॉप का डिसीजन तो इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मतलब फाइनल ईयर के साथ में जब दिए थे तो इतना अच्छा रैंक आया नहीं थी। सर की एक बात हमेशा दिमाग में रहती थी कि एक साल अगर देने से तुम्हारा 50 साल बन रहा हो तो फिर दे देना चाहिए, उससे कोई उतना नुकसान नहीं होता है। तो इम्पेटस गुरुकुल में आकर ही मिला मुझे ये शरद सर से, सर के वजह से ही हुआ। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो उसका। हाँ, बस इतना था कि NIT त्रिची मिल जाए, बट ये रैंक का कुछ नहीं था तो NIT त्रिची मिल गया, उसी बात का खुशी है। और चलिए निमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं, सुबी गुप्ता से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 48 है, जो कि अंबेडकर नगर यूपी से हैं और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ। तो सुबी, सबसे पहले तो 48 और एनआईटी त्रिची के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और सुबी, अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें मैं बताना चाहूंगा कि सुबी ने घर पे रह के पढ़ाई की है और इन्होंने ड्रॉप लिया था। तो सुबी, एक तो ड्रॉप का डिसीजन, लास्ट ईयर का आपका जर्नी और इंटायर सक्सेस जर्नी जो है वो आप बताएं। ड्रॉप का डिसीजन तो इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मतलब फाइनल ईयर के साथ में जब दिए थे तो इतना अच्छा रैंक आया नहीं था। यूट्यूब से ही सर की वीडियोस देख के पढ़े थे तो रैंक तो बहुत ही मतलब खराब आया था। कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, रैंक आया था 5643। तो फिर ये था कि ड्रॉप लेना है या फिर कोई और कॉलेज में जाना है, ऐसा चल रहा था फैमिली में भी और मेरे भी अंदर। तो बट हुआ कि ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि सर की एक बात हमेशा दिमाग में रहती थी कि एक साल अगर देने से तुम्हारा 50 साल बन रहा हो तो फिर दे देना चाहिए, उससे कोई उतना नुकसान नहीं होता है। तो यही बात हमने घर पे भी बोला और सबको बोला तो घर वाले समझे और फिर ड्रॉप के लिए मान गए। फिर ड्रॉप हुआ, फिर सर का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करे उसके बाद, और घर पे रह के पढ़ रहे थे। फिर लास्ट के 2 महीने घर से दूर होके पढ़ रहे थे क्योंकि घर में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था और मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए था कि इस बार भी ड्रॉप लेना पड़े या कुछ ऐसा रहे। तो फिर उसके साथ दिया पेपर, अच्छा गया पेपर। हाँ, बस इतना था कि NIT त्रिची मिल जाए, बट ये रैंक का कुछ नहीं था तो NIT त्रिची मिल गया, उसी बात का खुशी है। और वो उसके लिए तो पूरा इम्पेटस गुरुकुल ही, मतलब उसी के हम थैंकफुल हैं। और प्रतीक सर और शरद सर उनके थैंकफुल हैं। बाकी पढ़ाई का तो घर पे ही पढ़ते थे। और लास्ट टाइम क्या मिस्टेक थी मेरी कि कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था मैंने, और हम मुझे ना टाइम मैनेजमेंट का कोई नॉलेज था, ना ही कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके इसका कोई नॉलेज था। तो ये सारा जो था गाइडेंस था ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये तो इम्पेटस गुरुकुल में आकर ही मिला मुझे ये शरद सर से कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ो, उसी पे मत रहो, क्योंकि फिर उससे टाइम वेस्ट होगा। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना मतलब, और सर ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि 120 क्वेश्चन पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं, कम मान के चलो तो 2 घंटे ज़्यादा ही लगेंगे। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और ये सब चीज़ें, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मॉक टेस्ट नहीं दिया था और डायरेक्टली जाके निमसेट दिया था तो उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए या करने चाहिए या कैसे रहेगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। तो बस दे दिए थे और बस ऐसा ही था। और देखिए, सुबी ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली। नंबर 1 कि लास्ट ईयर बिना प्रिपरेशन के पेपर दिया, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मॉक पेपर दिए नहीं थे। 5600 रैंक के ऊपर होना बहुत मायने रखता है। मायने का मतलब यह है कि इतनी वाली रैंक वाले बच्चे बहुत घबराते हैं कि ड्रॉप लेके होगा क्या, पर आपने एक डिसीजन लिया और सीधे सीधे 100 का डिवाइड कर दें, उससे भी ज्यादा का डिवाइड, आप 48 रैंक पर पहुंचे। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 1000-1200 वाले तो हिम्मत जुटाते हैं, पर 4-5 हजार वाले रैंक वाले बच्चे कई बार ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। और पर सुबी को ये पता था कि लास्ट ईयर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं की, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा पढ़ा, पर इस साल प्रॉपरली पढ़ाई की और आखिरी 2 महीने ऐसा लगा कि शायद घर पे उतना डिसिप्लिन नहीं होगा, तुरंत शिफ्ट कर लिया जाएगा। ये एक राइट डिसीजन होता है कि हमें ये डिसाइड करना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हो, क्लासरूम से जुड़े हो, टेस्ट सीरीज से, आपका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही तो आपको डिसीजन लेना आना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए। तो वो आपने डिसीजन लिया। तो सुबह जब आपकी 5000 रैंक थी, तो कहीं डर था, क्योंकि इस रैंक वाले बच्चे तो बहुत घबराते हैं ड्रॉप लेने में, तो आपके अंदर कोई डर था और घर वालों का किस तरह से आपको सपोर्ट था? घर पे यही था कि पढ़ाई नहीं करी सही से और ये सब चीजें। मम्मी का तो पूरा सपोर्ट था, मम्मी मतलब कह रही थी कि कोई बात नहीं दोबारा दे देना। फिर भैया था, भाई कह रहा था कि देखते हैं क्या करना है, कोई और यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का देखो,
क्योंकि ड्रॉप का मतलब घर पे ऐसा कुछ सीन नहीं था कि ड्रॉप ले सके, क्योंकि कभी कोई लिया नहीं था ऐसा था। बट फिर सर की यही एक बात कि एक साल देने से इतना साल बनेगा और ये इतनी चीज़ें सही होंगी, तो फिर सब भैया बोला कि चलो ठीक है ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेने के बाद मेरा ये हो गया कि मतलब सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में थोड़ा मैंने डिले कर दिया, मतलब DU का एग्ज़ाम देने का इंतज़ार करा और उसका रिजल्ट आ जाए फिर, और ये सब ये नहीं करना चाहिए था। मतलब अक्टूबर, मिड अक्टूबर से मैंने ज्वाइन करा था सर का कोचिंग, तो थोड़ा टाइम कम था बट फिर भी मैनेज हो गया था सब चीज़ें। सर के वजह से ही हुआ, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो उसका, और अच्छे से अपनी गलतियाँ जानो, गलतियाँ जो भी गलती है उस पर वर्क करो, और जो सही है उसको भी देखो कि उसको कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, जिसे हमको जो हमको नहीं आ रहा है उसके लिए और टाइम बना सके और बचा सके। सुभी, जैसे कि आपने ड्रॉप लिया, आपका कहीं ना कहीं देखिए ड्रॉप जब कोई बच्चा लेता है तो अक्सर उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो एक तो आपका NIT त्रिची ड्रीम था वो भी मिला, अब आप आगे क्या सोचते हो अपने जीवन में, आगे क्या ऐसा चाहते हो कि मैं ये करूंगी या इस तरह का कुछ जॉब या कोई ड्रीम कंपनी, तो आपका ड्रीम या विजन क्या है? ड्रीम और ये तो है कि मतलब NIT से पढ़ने के बाद मतलब अच्छी सी जॉब मिल जाए और मम्मी को भैया को अच्छे से मतलब सबको मतलब फैमिली वालों को मतलब अच्छे से मतलब अपने तरफ से मतलब गिफ्ट देना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें कर सके उनके लिए, और मतलब एक अच्छी पोस्ट पे रहे जिससे कि इंडिपेंडेंट रहे फाइनेंशियली और सब चीज़ें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, ये सारी चीज़ें, और आगे तो जैसे होता रहेगा करते रहेंगे कुछ आगे पढ़ाई रहेगा तो। चलो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को सबको सपोर्ट करना चाहते हो, आप ऐसे ही करो, और समय के साथ कई चीजों की क्लियरिटी आती है। अभी तो आप पहले MC अच्छे से करो, अच्छे इंटर बनाओ, अच्छा प्लेसमेंट लो, टाइम के साथ कई चीजें क्लियर होंगी आपको, तो बहुत ही खुशी की बात है। अब आप ऐसे ही आगे बढ़ो, खुश रहो, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।